हे गाइस, चैनल टू माय वेलकम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका एक सब्जेक्ट वाइज अपना सब्जेक्ट होता है ना, जो आपके स्कूल सब्जेक्ट में होता है, तो वो है आज का आपका सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फिज़िकल साइंस। तो सबसे पहले हम फिज़िकल साइंस में जानेंगे जो आपका मीनिंग ऑफ साइंस होता है, कि साइंस का अर्थ क्या है, फिर आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट आपकी यही है, मीनिंग ऑफ साइंस, इट्स नेचर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस का अर्थ क्या होता है। जो आपका साइंस होता है उसको, ये तो आपको पता ही होगा, दो शब्दों से मिलकर बने, वी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। तो ईजी लैंग्वेज में आप समझेंगे, साइंस आपका होता है कि इट्स बेस्ड ऑन कि क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए का, पीछे का जो फैक्ट है, तथ्य, उसका कारण पता लगा के जो प्रूफ मिलता है, ये तभी आपका मान्य होता है कि प्रूफ में ही डिपेंड करता है, ठीक है साइंस। तो इसमें आप अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, तो लिखिए आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, द इंग्लिश वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिखिए, वो आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। तो जो साइंस वर्ड है ना, वो साइंटिया वर्ड, जो लैटिन वर्ड है वो साइंटिया है, जिसका अर्थ है टू नो, यानी कि कुछ जानना हमें, ठीक है। वैसे भी जो साइंस है उसमें हमें हमेशा एक जानने की जिज्ञासु प्रकृति होती है, ठीक है। और आप कभी भी लिखेंगे तो पॉइंट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये दिखने में भी इफ़ेक्टिव होता है और आपको मार्क्स गेन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे, साइंस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जो साइंस है आपकी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका प्राकृतिक दुनिया का के बारे में पढ़ती है, ठीक है। और यही आपका थर्ड वर्ड है, साइंस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साइंस है, विज्ञान हमारा, वो ये पता लगाता है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं इस दुनिया में, ठीक है। उसके पीछे का जो आपका रीज़न होता है उसे पता लगाती है और उसी पे बिलीव करती है प्रूफ में, ठीक है। आपका जो थर्ड पॉइंट होगा वो लिखिए आप, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैटेरियल एंड फिज़िकल यूनिवर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉज टू डिस्क्राइब दिस फैक्ट्स इन जनरल टर्म्स, ठीक है। जो आपकी साइंस है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करती है आपके प्रकृति के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, और आपका जो ये भौतिक भौतिक यूनिवर्स है ना आपका, और ये बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस में होती हैं, ऑब्जर्वेशन में, और ये जैसे आपका जो लॉज दिए हमारे साइंटिस्ट ने, जिसमें इन्हें प्रूफ किया है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये इसमें बिलीव करती है, जैसे कि साइंस ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन प्रूफ्स, ठीक है। तो आप लास्ट पॉइंट आप लिखिए, बेसिकली साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस की आपकी एक ब्रांच है जो ज्ञान को आपको प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स या साइंस, पर साइंस डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन प्रूफ्स, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो मीनिंग ऑफ साइंस, आपका जो अर्थ था साइंस का, वो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।